రాజస్థాన్ లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేసేందుకు భాజపా యత్నిస్తుందంటూ ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అశోక్ గెహ్లత్ గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలపై కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా తాజాగా స్పందించారు. गहलोत सरकार ने चुनाव में आने से पहले वादा किया था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे. बहुत सारे युवा है भाई, किसी को मिला है क्या? मिला है क्या? मिलने वाला है क्या? झूठे वादे देकर ये लोग सत्ता में आए हैं, वादा पूरा करने की हिम्मत नहीं है. किसानों का ऋण माफ करने का वादा किया था. मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेता राहुल बाबा से कि भाई आप कहते थे किसानों का ऋण 10 दिन में माफ कर देंगे, यही जयपुर में कहा था. कितने दिन हुए, क्या हुआ? आपने तो कुछ नहीं किया. मोदी जी ने देश के 11 करोड़ किसानों को हर साल 6000 रुपया लेकर 1.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने. आप अंतर कलह के अंदर ही व्यस्त है.